आइए हम कॉफी पीने चलते हैं। अब क्या नहीं मतलब हमारे स्टार्स के साथ तुम जाकर वहाँ दुबक गए तो अब हम क्या करेंगे? हाँ। तुम्हारे स्टार हैं, पूरे हिंदुस्तान के स्टार हैं, हम बराबर का प्यार करते हैं सना खान को। एक हाथ मिलाने वाली भीख दे दो। हाथ मिलाने वाली भीख दे दो। ऐसे हाथ मिला, ये तो पूरा फील कर रहा है हाथ को। सर मिल गया क्लोजअप। एक सेकंड मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर बैठ बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बैठ। एक मिनट हाथ पकड़ा है, मैं पूरा माहौल बनाता हूँ। ये मेरी बहन बनवा के भेजेगा, मैं बता रहा हूँ बकायदा। मैं नहीं कन्यादान करूंगा। पकड़, नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि इससे नीचे इंसान नहीं गिर सकता। प्लीज हेल्प। अपनी बेइज्जती को इग्नोर करते हुए मैं दूसरे प्रोमो शॉट की तरफ जा रहा हूँ। अनिशा मुखर्जी का हाथ मेरे हाथ में है, नेशनल टीवी पे आज मैं अजय जी का साडू बन गया। डर बड़ा लगता है साडू बनने में, पता है। एक्शन हीरो हैं जो अपने स्टंट दोनों टांगे बाइक पे रख के करते हैं। वो तेरे कहां का टांग रखेंगे वो सोच तू। फिल्म प्रमोट करने आए हो ना? हाँ, तो मेरी फिल्म बाबा ब्लैकशिप, उसके बारे में जी बात करते हैं। हाँ, जी। बाबा ब्लैकशिप में आपने गाने कंपोज भी किए हैं, तो कैसा लगा एक एंकर के लिए गाने कंपोज करके? Okay, girls. Welcome to Dabur Red Toothpaste Presents Entertainment Ki Raat, powered by Hype Star. And I must say, humko ye bhi realize hua, apart from the fact that you're absolutely gorgeous. Okay, realize hua ka matlab kya? Thank you, nahi. Bahut zyada beautiful hai, Shaan bhai. Dekho. Shaan bhai, dekho kitni beautiful hai. Of course. Arre, main to itne saalon se nahi dekhte aa raha hu. Achha. Aur kar kya sakte hain? Hain? शान दादा इना चल बे। हेलो भाभी, कलर्स टीवी लगा लो, पति आपे से बाहर जा रहा है, कभी भी गुलछर्रे उड़ाने वाले मूड में आ सकते। 18 साल हो गए, अभी इतना तो अलाउड होना चाहिए यार। तना तनिषा, आप दोनों ही बिग बॉस के एक सीजन में रह चुके हो। आई रियली वॉन्ट टू नो, बाहर आने के बाद अगर आप सेम सीजन में होते तो क्या आप दोस्त होते? अगर हम साथ में सीजन में होते तो हम बिल्कुल दोस्त नहीं होते। ऑफ कोर्स नॉट। आई लाइक द ऑनेस्टी। आई मीन कोई दोस्त नहीं बनता है बिग बॉस में। क्यों क्यों? अच्छा? क्योंकि वे कंपेटिटर्स, यू नो, लाइक हम गेम खेल रहे हैं, एक कोई जीतेगा तो दोस्त क्यों बनेंगे? बाहर आने के बाद। आपकी भी कोई दोस्त नहीं बनी? नहीं, मेरे तो बहुत दोस्त बने और they're still there. मतलब I'm a very friendly. They're still there, मतलब अब तक जिंदा है। हम तुम्हारे घर डिनर पार्टी पे हैं बीवी लेके। ये भी बात, हाथ लाओ भाई। ये बॉयज आपस में अपना घर बसा लेंगे। गर्ल्स, सना आप बचाओ। आप इतनी हॉट हैं तो आप क्या करती हैं? मैं रोज गर्म पानी से नहाती हूँ। वीकेंड पे क्या करती हैं? मैं ये वीकेंड पे भी नहाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। सिर्फ मंडे नहा लिया और वीक गुजार लिया। ये बात अच्छा था। ये मैं मंडे नहाता हूँ और पूरा वीक, ये सिर्फ मेरी मम्मी को पता है या इनको पता है? पता, हमने और किसी को नहीं बताया तो उन्होंने। अनिशा आप इतनी हॉट हैं। तो आप क्या करती हैं? शेयर करो अपनी सीक्रेट्स। हम बहुत सेल्फिश हैं, हमें किसी और लड़की को। आप इतनी सेल्फिश हैं, आप क्या करती हैं? ओहो, चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ, नॉर्मलिश का गेम। मैं फिर आऊंगा 5 मिनट बाद। लेट्स गेट टू यू तनिषा, आप काजोल की बहन है ये सब जानते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जीजू अजय देवगन है, जूता छिपाई में आपने कितने पैसे मांगे थे? एक्चुअली हमने नहीं मांगे थे, क्योंकि वी डोंट हैव दैट इन महाराष्ट्रियन वेडिंग। क्या जूता या रस्म रिवाज? महाराष्ट्रियन वेडिंग में ऐसे नहीं होता है। काय होता है? वो सिर्फ पंजाबी वेडिंग में होता है। इनफैक्ट अजय ने पंडित को पैसे दिए थे, बोला 45 मिनट्स में खत्म कर दो, क्योंकि वरना हम तीन चार घंटे के लिए वहाँ बैठते रहते। तो आपने बोला नहीं कि शादी में शिफ्टें नहीं होती, ये पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। खत्म कर दो। पंजाबी वेडिंग आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, महाराष्ट्रियन वेडिंग बोरिंग लगती है आपको? महाराष्ट्रियन वेडिंग इज क्वाइट बोरिंग। मम्मी शादी तो इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको बेटा नहीं लग रहा इंटरेस्टिंग, क्या करे? अच्छा आपकी फिल्म आ रही है बाबा ब्लैकशिप, सना आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपने बहुत सारे शो साथ किए हैं, फिल्म इन्होंने आपको लिया नहीं तो आप इनके बराबर क्यों बैठी हैं? उन्हें बता रही हूँ कि नेक्स्ट में मुझे ही लेना। देखा, अपनी नेक्स्ट 3 साल बाद आती। अच्छा
देखो मजाक तो अपनी जगह, बट भाई सच में यार एक मंच के ऊपर से निकल के स्टार बनना, फिर उसी मंच पर आकर अपनी फिल्म प्रमोट करना, हैट्स ऑफ टू यू भाई, थैंक यू, जोरदार तालियां। हाँ इससे पहले आप वो खा कर आए हो ना? क्या बेटा? मोहल्ले भर की गालियां। एक बात बता, तेरा एग्जाम था ना, कैसा हुआ? अरे मैं सारे आंसर लिख के आऊँ, बस आप बताना सही है ना, बाहर का ऑपोजिट क्या होता है? अंदर। दाएं का? बाएं। ऊंच का? नीच। हाँ वही हो आप। सामने पता ना कौन कौन आए? बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? उसी के प्रमोशन के लिए आए वो लोग। नहीं नहीं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा था मैं, अपने होमवर्क याद कर रहा था। बेटा ये होमवर्क रोज करियो, बार बार मोहल्ले में जा जा के होमवर्क कर। मैंने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है अभी तक। आपके पापा किलर है ना? हाँ। वैसे मेरे पापा फिलर हैं, मेन लीड तो रवि दुबे है ना। हेलो सना आंटी। हेलो। आज के बाद मुझे बाप नहीं बोलना तू। क्यों? अगर अगर वो तेरी आंटी तो मैं तेरा अंकल। ये मेरी सना दीदी। मैं तेरा जीजा। सना बुआ। मैं तेरा फूफा। सना दीदी ये आदमी जो बार बार करेक्टर बदल रहा है ना, असली में ये करेक्टरलेस है। बाप की वाट लगा रहा है तू, कुछ अच्छे संस्कार सीख जिंदगी में बेटा। तुम्हारा बेटा होके अच्छे संस्कार सीख। शान दादा आए हैं, कितने प्यारे इंसान है, उनके सामने बेइज्जती कर रहा है तू मेरी। बुरी बात है, जो भी हो आपके डैड है ना। बात देख तो सही है। कितनी स्माइल उनकी अच्छी, हर वक्त स्माइल करते रहते हैं वो देख। हाँ पता है इनकी स्माइल का बड़ा फायदा है। हा? मैं इनके घर चोरी करने गया, इन्होंने मुझे पकड़ लिया, मैंने दो जोक सुना, ऐसे हंसने लगे, आंखें बंद हो गई। पापा खोजो खोजो। क्या खोजना है? नहीं नहीं कह रहा हूँ, फिनाले एपिसोड है, मुझे नहीं, काम खोजो। वैसे आप एक बात बताइए, आपको जादू देखना है? जादू? हाँ मुझे देखना है जादू। हाँ तो जादूगर के शो में जाइए ना। क्या क्या करने आया भैया? अच्छा अलराज तुमको देखना है जादू? नहीं मेरे को नहीं देखना। हाँ तुम्हारी औकात भी नहीं है देखना। लोगों को कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मर, तेरे लिए चुल्लू भर पानी, तू थूक के उसमें डूब जा। बंगाली। बंगाली हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। तो बंगाली अक्सर सना ऐसा होता है कि हर चीज में ऑ लगा देते हैं आप लोग, है ना? Yeah, people are all of us. तो कभी गाना गाते हैं मुंह से ऐसे निकल गया चौन सिफारिश करता, या कभी ऐसा हो गया हो कि अक्षय कुमार है बोला गोबर इज बैक, गोबर इज बैक। कभी ओ का गलत इस्तेमाल हुआ उसके बाद फिर ओ। नहीं यार हम लोग क्या बम्बई वाले हैं ना, तो फिर भी हमारी थोड़ी बहुत तलफ्फुज साफ है। तलफ्फुज आपके साथ कभी हुआ है ऐसा ओ? जी नहीं कभी नहीं हुआ। नहीं तो उनका नाम टोनीशा होता। मेरा नाम भी शॉन होता। टोनीशा। शान नहीं। कभी कुछ नहीं हुआ। आपको बॉलराज बोला था। बॉलराज। बॉलराज। वो अजीब हो जाता अगर तुम्हारा नाम बॉलराज होता। बंगाली शायरी सुनाऊं? प्लीज इरशाद इरशाद। कहते ना कि ना कभी गिला करूंगा ना कभी शिकवा करूंगा, तुम सलामत रहो बस यही दुआ करूंगा। बंगाली कहेगा ना कभी गीला करूंगा ना कभी सूखा करूंगा, तुम शाला मात्र हो यही दुआ करूंगा। क्या बात? बातें बहुत सारी होगी मनीष। हाँ कुछ एक्टिविटी करते हैं। बिल्कुल। कोई गेम खेलते हैं। जैसे? अच्छा जैसे व्हील ऑफ टास्क, अपना अपना नसीब घुमाओ, जहाँ पे सुई आई वो करके दिखाओ। चलो रेडी है सर? राइट राइट चलो लेके आइए भाई। अभी भी है शो जारी, थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा कौन है राजा और कौन है भिखारी। जोरदार तालियां। वैसे बल्ली ये देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ मैं, मस्त नया नवेला करारा 2000 रुपए का नोट है, रख ले। क्यों? मैं चाहता हूँ तेरा करियर अच्छे नोट पे खत्म हो। ये जो आपने हरकत की ना 2 टके की, मेरे को आप भी कोई छोटे मोटे बाबा लग रहे हैं। अरे छोटा मोटा बाबा नहीं हूँ मैं मनीष, एवरेस्ट पे 300 साल तक तपस्या की है बाबा ने। फिर वो बाबा मर गए ठंड से। मैं वो वाला बाबा नहीं हूँ, मैं वो वाला बाबा हूँ। इसका मतलब तुम ये
ढोंगी बाबा हो? ए बस कर, कोई ढोंगी वाला बाबा नहीं हूँ मैं। एक बार कैरेक्टरलेस बोल चलेगा, ढोंगी पे सड़क जाती है मेरी। इससे पहले मेरे को किसी ने ढोंगी बाबा बोला था, मैंने शराब दे दिया। फिर क्या हो गया? फिर क्या भस्म हो गया? अभी कटआउट बन के तेरे बगल में बैठा है। अरे पहुंचे बाबा, इसके अलावा और क्या क्या कर लेते हो आप? अरे बाबा बहुत कुछ कर लेते हैं बाबा, पानी पे भी चल लेते हैं। पानी पे भी चल लेते हैं? वो वाला बाबा ये नहीं है। अरे मैं पानी पे चल लेता हूँ। कैसे? जब तीन तीन महीने खाने को नहीं मिलेगा तो पानी पे ही चलना पड़ेगा ना साले। ये अच्छा। कैसे बाबा? हाँ। ये आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। अरे अच्छा, इस हाथ में ये मेरा पेट पोपट है, खुला रखा। खुला रखा? हाँ, इसका नाम नहीं है खुला रखा, इसको मैंने खुला रखा है, इसके लिए खुला रखा है। बाबा इधर आओ ना। हाँ देखो, आप मनीष की फिल्म आ रही है, शान भाई ने म्यूजिक कंपोज किया, तो उनके भविष्य के बारे में कुछ थोड़ा अभी देख लेते हैं। एक सेकेंड ना शान भाई, नहीं नहीं ये नहीं छोड़िए, हाथ नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये कितनी रेखाएं हुई है? एक मिनट। मजा आ रहा है ना? निकालो 1500 बात। थाईलैंड के बाबा इधर, ज्योतिषी बनने से पहले ना मैं थाईलैंड में मसाजी देता था, वहाँ की आदत अब तक नहीं गई है। निकालो 1500 बात। ओ बाबा जी, थाईलैंड में तेल के साथ मसाज होती है, पता है आपको? तेल कहाँ है? अबे क्या बताऊँ यार मनीष, जब इस एपिसोड में ना इन सालों ने सारा तेल निकाल लिया। शाहरुख खान का भी हाथ देखा है मैंने। शाहरुख खान का हाथ कब देख लिया आपने? वो मन्नत के ऊपर जब अपने फैंस को ऐसा ऐसा हाथ दिखा रहा था ना, तभी मैंने उसके हाथ देखा। बराबर पांच उंगली है, पांच उंगली है। जाते जाते ना तेरा भविष्य बताता हूँ मैं, रुक। लंबी लंबी गाड़ियां हैं, हजारों लोग हैं, क्या बात है, शोर शराबा है, हंगामा है, सैकड़ों पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए हैं। इतना बड़ा स्टार बन गया मैं? नहीं स्टार बार कुछ नहीं, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, तू ट्रक के नीचे आके मर गया। एक्चुअली पता क्या है मनीष, ये बना बाबा लेकिन अंदर का रवि दुबे टैलेंट से जल रहा है। मैंने बोला था ना कि 26 एपिसोड ने इन लोगों ने मेरा सारा तेल निकाल दिया, झूठ बोला था। थोड़ा बाकी है? थोड़ा तेल, सही कहा शान, थोड़ा तेल अब भी बाकी है मेरे पास, और इस तेल से मैं राजनायक और जेसु जॉर्ज की पीठ की मस्त मालिश करूंगा। और ये बचे कुचे जितने शो है ना सारे दबोच लूंगा। सिर्फ राइजिंग नहीं, नागिन का भी लीड बनूंगा मैं। उसके लिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, हमें पता है कब से क्या करना है। शान भाई, खूबसूरत लड़कियों को ना फायदा बड़ा होता है, लिफ्ट में आप हो मैं हूँ, हम चाहे भूखे पेट है परांठे मूली के ये खा के आई है। हाँ। नाम हमारे लगता है पता है। नहीं तुम्हारे साथ तो होगा भी ना, क्योंकि बंदे की शक्ल भी देखी जाती है ना। मेरी शक्ल पे कौन सा पादमैन लिखा भाई। कभी सेट पे अक्सर हो जाता है ना, या कभी ऐसे आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और गाना गाते गाते चुपके से गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। बताओ बताओ क्या होता है? क्या मेरे साथ बहुत हुआ है ये। कुछ लेती क्यों नहीं हो तुम? उसके बाद से तो लेना शुरू किया। इट्स वेरी एंबैरसिंग एक्चुअली, यू नो, जब आप जो दो चार जन होते हैं ना तो आप यू नो सब एक दूसरे को देख के किसी पे भी, जो दो जन होते हैं ना तो वो सबसे टफ सिचुएशन होती है। और मेरे साथ हुई है जब, और वो भी स्पेशली लड़की होती तो इट्स ओके, बट मेरे साथ एक लड़का दोस्ती था और इतना उसका बैड लक, वो जब मिले मुझे तब एक्सीडेंट हो जाती। गाड़ी चला वो, वो मुझे बोलता तू ये सारी गैस मेरे लिए बचा के रख।